Hey guys, I'm back with my new video today. And today I'm gonna unbox this Noise VS402 earbud. तो आज की ये मेरी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने जा रही है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट को हम लाया है Noise VS earbud है. ये जो है इनफिट ईयर है. और आइए हम सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं. इसका डब्बा को Amazon की तरफ से आया है ये. तो सबसे पहले हम इसको तो पैकेट से निकालते हैं. जितना बड़ा डब्बा है उतना बड़ा पैकेट नहीं है. पैकेट बहुत ज़्यादा बड़ा लेता है ये. अब इसको हम हटा देते हैं. तो ये रहा आपका डब्बा का सामने का लुक. Noise VS 402. तो अब आइए थोड़ा क्लोज व्यू दिया जाए डब्बा के ऊपर. अब हम आप लोगों को दिखाते हैं इसको अनबॉक्स करके. ये रहा डब्बा. अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं. Noise के ऊपर हमको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है. इस वजह से हम Noise का सामान को प्रीफर करते हैं क्योंकि इसका बैकअप वगैरह क्वालिटी वगैरह सारा कुछ बहुत अच्छा रहता है. तो सबसे पहले देखा जाए तो इसके अंदर पता नहीं क्या है. तो ये रहा Noise का लव लेटर. Noise वालों ने लव लेटर हमेशा की तरह इस बार ही भेजा है. ये नहीं पता नहीं क्या क्या है. ये सारी चीज़ तो हम लोग बाद में देखेंगे. ये Noise का स्टिकर रहता है. Noise अपने हर प्रोडक्ट में Noise अपना एडवर्टाइज के लिए स्टिकर भेजता है. ये रहा लव लेटर. ये भी लव लेटर ही है और पता नहीं ये वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड है. अब ये इसके पैक की तरफ बात करते हैं. देखिए कितने अच्छे से इसको पैक करके दिया गया है. ईयरबड की तरफ बाद में बढ़ेंगे, पहले हम आपको दिखलाते हैं. इसके साथ आपको मिलेगा एक ये टाइप सी का केबल और उसके अलावा आपको मिलेगा 4 पीस ये एडजस्ट करने वाला. जो साइज़ का चाहिए वो आप उस हिसाब से अपना कर सकते हैं. अब आते हैं हम Noise ईयरबड की तरफ. अभी डब्बा के अंदर कुछ नहीं, इसको हम करते हैं साइड. तो ये देखिए सामने का लुक है. सबसे पहले हम इसको हटाते हैं ऊपर वाले व्यू को. ये देखिए सामने का लुक इसका काफ़ी अच्छा है. और इसमें एक ये दिया है टाइप सी का सपोर्टिंग और यहाँ पे नीचे में लाइट है. देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में लाइट जलेगी. ये लाइट का कलर भी बहुत अच्छा है और ये है आपका Noise का ब्रांडिंग लोगो. और अगर सबसे अच्छी बात की जाए जिस वजह कर हम इसको पसंद करते हैं वो इसका ओपन करने का स्टाइल. देखिए ये इस तरीके से ओपन होता है. ठीक है, ये चीज़ काफ़ी शानदार है. इसको आप ऐसे करके ओपन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं. ठीक है, ये चीज़ हमको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. नीचे में आपको लाइट दिया हुआ, ये बहुत अच्छा है. Noise का ब्रांडिंग बहुत अच्छा है और ऊपर में मिलेगा आपको टाइप सी का चार्जिंग. आइए अब हम इसको हम लोग यूज़ करके देखते हैं. ये जो है इन ईयर फिटिंग है और इसका सारा कुछ बहुत अच्छा है. ये काफ़ी आरामदेह भी है और इसका साइज़ वगैरह भी लगभग बहुत सही है. तो इसमें एक ऑलरेडी दिया है और 2 इसमें दिया है, यानी कि टोटल 3 इसमें आपको दिया. आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं. मैग्नेट वगैरह भी इसका बहुत अच्छा है, सारा कुछ बहुत अच्छा. आइए इसकी फीचर के तरफ लेकर के चलते हैं. हमको जो सबसे अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है गाइज वो इसकी लाइट है. ये लाइट और ये केस, ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है. तो आइए देखिए, ये हम YouTube पे वीडियो प्ले कर रहे हैं और ये हम ऑलरेडी अभी कनेक्टेड है. ठीक है, तो ये मेरा राइट वाला है और ये मेरा लेफ्ट वाला है. तो देखिए जब हम इस पर डबल टाइप करेंगे तो ये वीडियो प्ले हो जाएगा. ठीक है, और फिर डबल टाइप करेंगे तो ये वीडियो पॉज हो जाएगा. किसी को भी डबल टाइप करेंगे तो ये हो जाएगा. ठीक है, डबल टाइप करने से वीडियो आपका प्ले हो जाएगा. अब देखिए राइट वाले को हम सिंगल टाइप करेंगे तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा. ठीक है, सिंगल टाइप कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और अगर इसी लेफ्ट को करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा. ठीक है, इस तरीके से. और दूसरी बात, अगर हम राइट वाले को क्लिक करके रहेंगे तो ये गाना पीछे आगे की तरफ चला जाएगा, ये गाना चेंज हो जाएगा. ठीक है, और अगर हम इसको करेंगे तो फिर से वही वाला गाना बैक हो जाएगा. तो ये म्यूज़िक कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा है गाइज. आराम से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और आप बिना मोबाइल निकाले आप इसका साउंड को तेज़ धीमा कर सकते हैं, वीडियो को प्ले पॉज भी कर सकते हैं. और सबसे अच्छी फीचर इसमें है कि गेमिंग मोड दिया हुआ है. अगर आप इसको ट्रिपल टाइप करते हैं तो इसमें गेमिंग मोड ऑन हो जाता है और फिर इसमें इसकी जो लाइट है वो ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है और बहुत ही लो लेटेंसी पे ये काम करता है. और बात की जाए इसके ब्लूटूथ की तो इसका ब्लूटूथ है 5.3 है, मे बी सही से मुझे पता नहीं, पर हाँ 5.3 है. तो इस वजह से इसका ब्लूटूथ भी बहुत अच्छा है. और लुक की बात की जाए तो ये आपके सामने है. कैसा लग रहा है लुक, ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि ये अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है. हालांकि मेरे हिसाब से ये थोड़ा बड़ा है पर ये सही है. और दूसरी बात हमको सबसे अच्छी लगी कि ये बहुत ही इजी वे में इसको आप ऐसे डाल लीजिए, मैग्नेट है और इसकी लाइट ब्लिंक करने लगेगी. तो दैट्स ऑल. ओके गाइज,
आई विल मीट यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, हैव अ गुड वन, बाय बाय.